स्वागत आह्वान करेंगे, स्वामी जी का थोड़ा सा परिचय हमको भी कराएं। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास रुचिराननाम्बुजम पूजितम सुरनरोत्तमेरमुदा श्रीधर्मनंदनमहम विचिन्तये। आराधिष्टदेव भगवान श्री स्वामी नारायण जिस ज्ञान परंपरा को स्वीकृत करके सनातन परंपरा का परिपोषण की एक श्रृंखला प्रस्थापित कर चुके हैं, ऐसे श्री संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय का श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुजीयर स्वामी जी के सानिध्य में समता कुंभ में उपस्थित वृत्तालय श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, वरताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन देव प्रकाश दास जी स्वामी, नीलकंठ विद्यापीठ के स्वामी विवेक स्वामी जी, हैदराबाद गुरुकुल विजयवाड़ा के पूज्य शुकवल्लभ स्वामी जी, कृष्णचरण स्वामी जी, डॉक्टर साहब, मैं तहे दिल से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने हमको यहाँ आमंत्रित न किया होता तो भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है वो जीवन में कभी देखने को नहीं मिलता। हम आपके चरणों में शत शत वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में उत्पन्ना द्रविड आदेश कह करके भक्ति की उत्पत्ति और भक्ति का मौलिक स्वरूप पंचरात्रागम में, नारद पंचरात्र में, शास्त्र में जो वर्णित है उसका जीवंत स्वरूप जीवन में प्रथम बार और यदि कहीं देखने को मिला है तो ये महाराज जी आपके श्री चरणों में ये समता कुंभ के माध्यम से द्वितीय पाठोत्सव कल्याण उत्सव में देखने का अवसर मिला है, इसलिए हम सब आपके ऋणी हैं। लेकिन हम आपका ऋण स्वीकार करके जीवन भर ऋणी रहना पसंद करते हैं, आपका आभार व्यक्त नहीं करेंगे। हमारे जो आचार्य जी महाराज है वो स्वामी नारायण भगवान के जो कुल है उनके पिताजी सरयू पारायण ब्राह्मण थे, धर्मदेव हरिप्रसाद पांडे उनके सिक्स जनरेशन यानी छठी पीढ़ी है, और जो श्री लक्ष्मी नारायण देव पीठस्थान गादी है भगवान स्वामी नारायण ने वृत्तालय में रह करके गादी की प्रस्थापन किया गादी पद का, यहाँ जो आपका ये पूरा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बना है वो 9 गुणांक में बना है, कहीं 9 है ये है वो है, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है हमारे जो आचार्य जी है वो अभी 9 में गादीपति है। भगवान स्वामी नारायण ने यहाँ जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आपने जो मैसेज दिया है, 1000 पूर्वे पहले यतिपति श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने जो समाज को मैसेज दिया था उसको वर्तमान स्वरूप में 21वीं पीढ़ी के युवा वर्ग को रामानुजाचार्य जी महाराज का संदेश देने का काम श्रीमन नारायण त्रिदंडी जिन्ना जीयर स्वामी जी आपके माध्यम से हुआ है। आने वाली 1000 पीढ़ी आपको समता कुंभ के प्रस्थापक के रूप में याद करेंगी। स्वामीनारायण संप्रदाय आप सारंगपुर आए थे, आपका जो हृदय का भाव है आपके जीवन में जो सरलता है उनको देख करके हमारे जो महाराष्ट्री थे उन्होंने उस वक्त भी बोला था और आज भी बोला कि सरलता का कोई पर्याय नहीं होता है, सरलता ही धर्माधिकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी महत्ता होती है। पूज्य श्री को पद्मश्री मिला है, मुझे आज इस मंच के माध्यम से कहना है पद्म भूषण प्राप्त करके आपकी शोभा नहीं बढ़ी है,
पद्म भूषण आपने स्वीकार किया तो भारत सरकार का पद्म भूषण जो अवॉर्ड है वो स्वयं विभूषित हो गया, क्योंकि 1000 साल में ग्रंथों के माध्यम से श्री भाष्यादिक तात्विक दार्शनिक फिलोसॉफिकल वर्ड्स के माध्यम से जो श्रीमद् रामानुजाचार्य की परंपरा ने कार्य किया है, उस परंपरा को 21वीं सदी के माध्यम से आने वाली सहस्त्राब्दी तक जीवंत रखने का काम आपने किया है। इसलिए समग्र स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से हम सब संत जन आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं। हमारे जो आचार्य जी है, यहाँ जो यज्ञ परंपरा का दर्शन आपने करवाया, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा यज्ञ नैज्ञमय जंत, वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल की यज्ञ की कथा सुनी है, यज्ञ का दर्शन किया है, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि समता कुंभ के परिसर में, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी के परिसर में जो वैदिक विधि विधान के साथ यज्ञ होता है वो अदृष्ट पूर्व है, अश्रुत पूर्व है, लेकिन इन्हीं आँखों से उनका दर्शन किया है, इसीलिए उसको स्वीकार करना ही होगा। अदृष्ट पूर्व नहीं, दृष्ट है और अविस्मरणीय है। इस यज्ञ के दर्शन के लिए भी मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। वैदिक परंपरा का पुनरुद्धार करने के लिए, वैदिक शाखाओं का जीवंत माध्यम बनाने के लिए आपने जो वैदिक विद्यालय का प्रस्थापन किया है, अस्पताल भी चलते हैं, दिव्यांग अस्पताल भी चलते हैं, महाराज जी बुरा न मानने का एक काम और कोई भी कर सकता है, लेकिन विलुप्त प्राय वेद शाखाओं का पुनः वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्थापन करने का काम इस धरती पर वेद व्यास के बाद यदि कोई कर रहा है तो आज कहना होगा वो आपके माध्यम से हो रहा है। इसलिए समग्र हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति आपके ऋणी है। स्वामीनारायण संप्रदाय का जो मूल गादी स्थान है श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठ स्थान, उनको अगले साल नवंबर में 5 से 15 नवंबर तक द्विशती समारोह होने जा रहा है। मौका है, अच्छा है, आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, कुछ मांगेंगे तो आप मना नहीं करेंगे, इतना विश्वास है। मैं पीठस्थान की ओर से आपके श्री चरणों में इतनी विनंती करता हूँ कि आप द्विशती समारोह श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठस्थान का जब संपन्न हो उस वक्त आपके श्री चरण भी वृत्तालय में हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आपके श्री चरणों में वंदन और जय श्री स्वामीनारायण।